उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे भाई मम्मा के किचन में। अब हमने इसको हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया है, अब हम इसको दोबारा से बॉईल करेंगे। ऑनियन, अदरक लहसुन, खड़ा गरम मसाला, तेजपत्त, हल्दी, सॉल्ट, हमने सारा कुछ इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये गल ना जाए हमने इसको नहीं उतारना। अभी हमने इसको चेक किया तो ये सही तरह अभी नहीं गला, तो इसको हम और पकाएंगे। जा रहे हैं छोटे भाई, तो चलिए देखते हैं हमारे छोटे भाई कैसे बनते हैं। हमें चाहिए 2 ऑनियन, हमें दही चाहिए थोड़ी सी, और 1 कप ऑयल, 2 टमाटो, 2 स्पून सॉल्ट, 2 स्पून रेड चिली पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून हल्दी। और ये है छोटे भाई, और हमने इनको वॉश करके अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया था हमने इसको। और इसमें हमने डाली थी ऑनियन, साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन, तेजपत्ता और हल्दी, और फिर हमने 1 घंटे के लिए हमने इनको पकाया है। ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। साबुत गरम मसाला, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून गरम मसाला। तो हम अपने छोटे भाई बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। जो ऑनियन है वो ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। टमाटो ऐड करेंगे, उनका वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हमारा अदरक टमाटर का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर का और प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने कड़ाहों को 1 घंटे गलाया है, यह बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो हमने इसमें भी किया था। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने कितना करना है ताकि इसका मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए। हम इसमें ऐड कर देंगे। बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे जो है वो पाए, बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनमें गरम मसाला ऐड करेंगे, डिश आउट कर देंगे इनको। तुम्हारे पाए बनकर रेडी हो चुके हैं। तुम्हारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।